बेहद ताकतवर, भरोसेमंद, फुर्तीला और ऐसी कई खूबियों की खान माना जाने वाला राफेल आ रहा है हिंदुस्तान। वो उड़ पड़ा है हिंदुस्तान की ओर, पूरी ताकत के साथ आ रहा है राफेल। ऐसी शक्ति से लैस होकर चला है कि सुनकर दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे। राफेल वैसे तो पहले ही बेहद ताकतवर है, लेकिन चीन जैसे दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए उसे और खतरनाक मिसाइल से लैस कर दिया गया है। जो राफेल विमान आ रहे हैं वो कितने पावरफुल हैं, ये भी जानिए। हैमर मिसाइल, हिंदुस्तान ने अपने दुश्मनों के लिए विशेष तौर पर इसे राफेल में लगाने का फैसला किया है। ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जो 60 से 70 किलोमीटर के रेंज में दुश्मन को मटियामेट कर सकता है। राफेल की दूसरी और भरोसेमंद ताकत है मेट्योर मिसाइल। इस लड़ाकू विमान में सुपर पावर मेट्योर मिसाइल लगे हैं जो 100 किलोमीटर दूर उड़ रहे लड़ाकू विमान को पल भर में मारकर गिरा सकते हैं। इसकी तीसरी ताकत भी जान लीजिए, जिसका नाम है स्कैल्प मिसाइल। हवा से जमीन पर मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। एयरफोर्स इस लड़ाकू विमान को बेहद घातक स्पाइस 2000 बम से भी लैस करेगी, जो दुश्मन के मजबूत बंकर को पलक झपकते तबाह कर देंगे। हालांकि अभी राफेल में इस्तेमाल को लेकर ट्रायल का इंतजार है। राफेल में ऐसे ऐसे हथियार हैं कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। हिंदुस्तान ने जिस लड़ाकू विमान पर भरोसा दिखाया है वो अब बेहद खतरनाक है। राफेल हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान में परमाणु हमला करने की भी काबिलियत। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। राफेल की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है। राफेल महज एक मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुँच सकता है। 55,000 फुट की ऊंचाई से बम गिराने में यह सक्षम है। राफेल 2200 और 2500 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से उड़ान भर सकता है। हवा में ईंधन भरने के बाद करीब 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। यह 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर भी उड़ने में सक्षम है। राफेल फाइटर प्लेन इंडियन एयरफोर्स के सबसे ताकतवर और काबिल लड़ाकू विमान होंगे। जब भारतीय वायुसेना को ये हरफन मौला फाइटर प्लेन मिलेगा तो दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसकनी पक्की है। न्यूज़ तक ब्यूरो।